Next thing. Next thing is A5. Which of the following is not a न्यूक्लियोफाइल? AlCl3 जो है is not a न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो AlCl3 है that is a Lewis acid, low electrophile, क्योंकि उसका octet incomplete है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स ना इसके पास, तो इसलिए इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, so it act as electrophile, not nucleophile. Is it okay? It is electron pair acceptor. अच्छा, 10th किसमें है ही नहीं, तो 10th किसने पूछ लिया? ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम लिविंग एबिलिटी फॉर एक्शन रिएक्शन? डी इसका आंसर है. रीजन बीइंग इट इज अ ट्रिप्लेट आयन, जिसमें आपको देखना है वीकेस्ट बेस कौन, और वीकेस्ट बेस कैसे पता चलेगा? देखो, वीकेस्ट बेस जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा डी लोकलाइज है, आप देखें इसका नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज और CF3 माइनस आई ग्रुप डी है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा एसीटेट आयन से, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ दो ही ऑप्शन में डीलोकलाइज, जिसका 3 में है और माइनस आई भी, तो जो जितना कम जिसमें नेगेटिव चार्ज, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी वो जितना खुद स्टेबल होगा, मतलब उतना जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल से उल्टा हो गया ना, सो वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स. वीकर बेस कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज जितना इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही वीकर बेस होगा. इज इट ओके? अच्छा, एंड देन थर्ड में दिया है इन द गिवन रिएक्शन रेट इज फास्ट व्हेन एक्स इज, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जब, तो अच्छा लिविंग ग्रुप किस में आ रहा है? अगर आप देखें डी इसका आंसर लग रहा है, क्योंकि डी में क्या है, जो ये ओ नेगेटिव इसको ओ दिखा रहा है, तो इसमें क्या होगा जब लिविंग ग्रुप ये वाला होगा, देखो जब लिविंग ग्रुप ये वाला होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज करेगा, इन 3 पे डीलोकलाइज. आपको इसी जैसा दिया है ये वाला, इसमें कि एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एंड ओ सी एस थ्री दिखाया है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज इन पे डीलोकलाइज नहीं करने वाला है. रीजन भी ओ डबल ओ में कॉन्जुगेशन ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज उसी डबल बॉन्ड पे, सो इसलिए इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी जबकि इसमें नहीं होगी, सो इस वजह से आपका आंसर जो है डी हो. क्या बेटा जी समझ आ रही है बात? इज इट ओके? अच्छा, अब इतनी देर में मेरे पास मेडिकल का भी पैकेज आ गया, मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि मेडिकल के क्वेश्चंस हो सकता है स्टार्टिंग में सेम, हो सकता है इनिशियली सेम ही, कुछ डिफरेंट है. सो अब मैं बात मेडिकल वालों की कर रहा हूँ. सेक्शन ए एंड बी, ठीक है, एक्सरसाइज 1 मेडिकल. सुनिए, तब तक नॉन मेडिकल वाले रेडी रखिएगा अपने डाउट्स वाले, बोलो मेडिकल मानक बोलो. Anyone? मेडिकल का पैकेज आपके पास है? मेडिकल वालों को पैकेज मिल गया? मैं भी डालता हूँ, क्लास के बाद डालता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मेल में आया है और दूसरे इसमें आया है टैब में, तो उसमें मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ. ठीक है, मेडिकल वाले जिनके पास पैकेज है वो कृपया जो है अपने डाउट्स बता दें. अच्छा, जितनी देर में मेडिकल वाले ये करते हैं, नॉन मेडिकल वालों के डाउट्स सेक्शन सी.
चलिए इसको करने लगते हैं नॉन मेडिकल वाले। एक मिनट लगेगा मुझे, मैं मेडिकल वालों का अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेडिकल वालों का मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अरे एक मिनट, मेडिकल वालों का भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वो देख लें पैकेज। जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। आ गया मेडिकल वालों का पैकेज, पहुंच गया उनके पास। ठीक, अब बात स्टार्ट करते हैं। मैं नॉन मेडिकल वालों के डाउट्स ले रहा हूं, एक मिनट। तो इसमें हम सेक्शन सी की बात कर रहे थे और सेक्शन सी में आप देखें हमने बात की है SN1 रिएक्शन की। तो सबसे पहले मैं C1 की बात कर रहा हूँ, वोट देखें आप। द रेड आर इन द ऑर्डर, देखो C1 का क्या होगा, आप सिर्फ कैटायन को देखते जाएं। आप कैटायन को देखते जाएं तो अगर आप कैटायन को देखते हैं तो जो R1 और R3 वाला है, सुन लीजिए, R1 और R3 वाला जो कैटायन है वो 3 डिग्री, इज इट ओके। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो R1 और R3 R2 से ज्यादा होंगे, मतलब R2 सबसे कम होगा ये तो पक्का है, क्योंकि R2 वाला जो कैटायन है वो 2 डिग्री का है। लेकिन इसके अलावा क्या बात है, इसके अलावा जो बात है दैट इज कि अगर आप R1 में देखें तो लीविंग ग्रुप बेटर है, BR। R1 में लीविंग ग्रुप क्या है, BR। भले ही दोनों 3 डिग्री बना रहे हैं, RBR और RCL हैं, भले ही 3 डिग्री बना रहे हैं लेकिन BR पहले टूटेगा। So, इसलिए R1 का रेट ज्यादा होगा, मतलब आंसर होगा R1 R3 R2। तो ऐसे में आपका इसका आंसर क्या है, R1 R3 R2 सी आ गया आंसर। सी C1 का सी आंसर आ गया कि नहीं आया, नहीं मानव रखवाल, यू जस्ट चेक, हो सकता है कुछ रिएक्शन सेम हो, हो सकता है कुछ रिएक्शन सेम हो, सी सी ठीक है। अच्छा, सो C2 को देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग आइसोमेरिक हैलाइड्स। देखो अगर आप मॉड्यूल थ्योरी सेम हो सकती है लेकिन जो है नहीं पैकेज, मैंने भी नजर डाली मुझे सेम नहीं दिखे यार, एक मिनट, मुझे जो है क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग है, कुछ सिमिलरिटी हो सकती है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। पैकेज अलग, एक्सरसाइज पे आओ, क्वेश्चंस अलग है, ठीक है। अच्छा अब पहले ये देख लो नॉन मेडिकल वाला कौन है। यार मानव रखवाल, हो सकता है तुम दोनों नीट के ही देख रहे हो, सबसे पहले नीचे देखो स्क्रिप्ट में नीट लिखा है, अगर नीट है तो हो सकता है दोनों जो फॉरवर्ड किए हो नीट के ही,
ठीक है, अदरवाइज मेडिकल नॉन मेडिकल के अलग। और चिंता क्यों कर रहे, तो मेडिकल वाला कोर जिसके नीचे इसमें स्ट्रिप जो है नीट लिखा हुआ बस, ठीक है, इज इट ओके। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, सुनिए, सेकंड क्वेश्चन में आपने करना है, सेकंड क्वेश्चन में देखते जाओ, आपने ये C6H5 मतलब फिनाइल, तो फिनाइल सुनते जाना, सीएल को तोड़ दो, ऐसे ही सीएल को तोड़ते जाओ, जो लिविंग ग्रुप है ना उसको हटा दो, क्योंकि हमने सिर्फ कटायन की स्टेबिलिटी देखनी, सुनते जाना, हमें तब ये आंसर आएगा, मैं आराम से करा रहा हूं, ध्यान देते रहना। आपने जहां पे सीएल है वहां पर कटायन बना दी, जिसमें सबसे स्टेबल कटायन होगा उसका रेट सबसे फास्ट होगा, सुनिए, तो सबसे स्टेबल कटायन है अपना ये चौथे वाला, सबसे स्टेबल कटायन, क्यों, क्योंकि दो फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है वो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। अच्छा, उसके बाद जो बारी आती है वो आती है सेकंड की, क्योंकि वो अलाइलिक है, पॉजिटिव सिंगल डबल, इट इज अलाइलिक, ठीक है, उसके बाद बारी आती है वन, और उसके बाद आती है थर्ड की, थर्ड क्यों, थर्ड इज विनाइलिक, वो तो विनाइलिक वाला तो देगा ही नहीं ना, क्या आपको मेरी बात समझ आई, डबल बॉन्ड पे जब पॉजिटिव चार्ज जाए वो मोस्ट अनस्टेबल कटायन होता था, हमने बोला था कि ऐसे में से सीएल तोड़ना सबसे टफ होता है, इज इट ओके, सो विनाइलिक में से डबल बॉन्डेड कार्बन में से हैलोजन को तोड़ना सबसे टफ होगा, तो मोस्ट अनस्टेबल ये, क्या बेटा जी आपको आंसर समझ में आ गया, हैव यू गॉट द आंसर, क्या आंसर आया इसका, ये सही आंसर है, यू जस्ट फाइंड कौन सा है, 4-2-1-3, 4-2-1-3 सी आंसर है, हो गया कन्फर्म, सही है, समझ आ रही है मेरी एक्सप्लेनेशन क्लियरली, जैसा हमने थ्योरी में किया है बिल्कुल हम उसी लेवल पे आगे बढ़ रहे, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे, देखो अब है आगे फोर्थ, सो फोर्थ वाले को देखते हैं, फोर्थ वाला भी बहुत बढ़िया, चलो C4 को देखते हैं, मैं मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, और मैं मॉलिक्यूल में एक चीज करता हूं, सबसे पहले बाकी चीजों को छोड़िएगा, मैं कैटायन बना रहा हूं, जहां जहां पे क्लोरीन लगी है ना वहां वहां पे कैटायन बना रहा हूं, ठीक है, 1, 2, 3, आप मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन सा है इन तीनों में से, मतलब एक को आप कैटायन माने तो बाकी को जीरो मान लो, मतलब यहां यहां फिर कैटायन छोड़ लो, किस पोजीशन पे कटायन सबसे स्टेबल लगेगा, 1 पे 2 पे या 3, मोस्ट स्टेबल कटायन कौन सा लगे, आपने कहा मोस्ट स्टेबल कटायन जो है आपको थर्ड वाला लगता है, गलत, मोस्ट स्टेबल कटायन फर्स्ट वाला है, रीजन बीइंग ऑक्सीजन प्लस एन ग्रुप है, इसलिए वो जो है इसमें ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीट, देख लो स्ट्रक्चर भी बना के दे रहा हूं, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, बाकी इससे कुछ छोड़ दो, ये कैटायन जो है प्लस एम ग्रुप है ये, तो इसमें प्लस एम इफेक्ट आ रहा है, इसमें सिर्फ नॉर्मल 3 डिग्री, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल है, देन थर्ड वाला, और उसके बाद सेकेंड वाला, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, मैंने कहा था कैटायन जब भी कोई प्लस एम ग्रुप के साथ में होगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, ऐसी कॉन्जुगेशन जो है बाकी कैटायंस में दोनों में पॉसिबल नहीं, क्या बोल रहे हो, स्ट्रक्चर में CH3 नहीं है, कहां नहीं है CH3, C4 में CH3 नहीं है, C4 वाले क्वेश्चन में CH3 तो है मेरे सामने है,
आप जो मैंने 1 2 3 लिखे हैं यार, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, 1 मिनट, एक ये पता है क्या है, उसने जो नंबरिंग दी है ना वो यहां से दी है, 1 2 3, तो इसलिए 3 1 2 आपका राइट आंसर हो। उसकी नंबरिंग और मेरी नंबरिंग अलग लगती ना, मैंने इसको 1 कह दिया था, ठीक है, अब मैंने उसकी नंबरिंग देखी, उसने 1 2 3 इनको कहा है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर ये बनेगा 3 1 2, सही बात है, बी आंसर आ गया। आ गया सबको समझ भी आ गया, सबको समझ भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब C5 देखते हैं क्या है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, चलिए C5 को देखते हैं, ध्यान देते रहिए, नोट करते जाइएगा साथ साथ में। तो यहां पर कैटायन बनाना है, आप जानते हैं SN1 रिएक्शन ही होनी है बेटा, ये तो आप जानते हैं ना SN1 रिएक्शन ही होनी है, तो सीधे कैटायन बनाओ पहली बात, और उसके बाद देखो कितने बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मिथाइल शिफ्ट करो, CH3 CH CH3 CH3 CH3, कैटायन बन गया, 3 डिग्री कैटायन बन गया। अब इसके बाद क्या है, CH3OH ने अटैक करना है, मैंने आपको बोला है कि जब भी न्यूट्रल करे उसका नेगेटिव हिस्सा यहाँ पे जोड़ जोड़ देते हैं, क्या बन गया, अच्छा स्ट्रक्चर कहीं आउट ऑफ पिक्चर ना हो, CH3 तो इधर CH2 कर देते हैं, ये CH2 ही हो गया, CH3 OCH3 आएगा यहाँ पे, CH3 H CH3, इज इट ओके, क्या आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। आ गया सी यस और नो, मानव अब बोल, सेम है क्वेश्चन, अब तक तुमने पैकेज देख लिया होगा आपने, सेम ही है क्वेश्चन, ग्रुप में पैकेज सेम है, लेकिन वो नीट वाले ही डालेंगे ना, दोनों दोनों नीट वाले ही डालेंगे, इसलिए अभी जो लेटेस्ट डाले हैं ना दोनों नीट के डल गए होंगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है हरविंदर जी ने जो हमारे DTP ऑपरेटर हैं उन्होंने जो ग्रुप में नीट का डाल दिया और बाद में मैंने भी डाल, ठीक है, दो जगह से नीट के कलेक्ट हो गए, बट क्योंकि नॉन मेडिकल का तो हम पहले ही डाल चुके, ठीक है, अच्छा सुनिए कोई बात नहीं, तो मतलब नीट वालों को क्या पैकेज आज ही मिला या इससे पहले मिल चुका है, पहले बताओ, मेक द थिंग्स क्लियर टू मी, नीट वालों को मुझे लगता है पहले भी मिल चुका है, रीजन बीइंग रिदम डिग्राई सिंह उसको हार्ड कॉपी मिल चुकी, ठीक है, हार्ड कॉपी जो है सेंटर से जिन्होंने ली है उनको दोनों मिल चुके हैं, ठीक है, हाँ ग्रुप में कोई बात नहीं, आज ही मिला अनुषिका को, ठीक है, मैं देखता हूं मानव, जो बिना नीट जो अंडरलाइन बिना नीट के आया है वो नॉन मेडिकल का है, जिसमें नीट लिखा है वो मेडिकल का है, फुटर में जो है, ठीक है, नीट वाला आज हमने डाल दिया, अब C6 का क्या करेंगे, फिर
सिक्स देखें यहाँ, जहां पे बी आर है वहां पे कैटायन बना देंगे आप जानते हो, फिर रिंग को एक्सपेंड कर देंगे ये भी आप जानते हो। सो रिंग एक्सपेंड करके मैं बताता जाऊँ, थोड़ी थोड़ी बात बताता जाता हूँ। जैसे आप रिंग को एक्सपेंड करोगे कैटायन इधर आएगा तो यहाँ जैसे आएगा, लेकिन आप फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन होगी उसको शिफ्ट करके आपने उसको 3 डिग्री में चेंज कर दिया है ना, 3 डिग्री में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या क्या दिया इसमें, न्यूक्लियोफाइल वाटर दिया है तो OH लगा दे, तो आपका जो आंसर आएगा सही बात है। पहले जब आप ये रिंग एक्सपेंड करोगे सो 2 डिग्री वाले पे कैटायन आएगा, रिंग एक्सपेंड हो गया 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री पे रीअरेंज कर दीजिए, 2 बार रीअरेंजमेंट होगी फिर वाटर का अटैक OH लग गया। समझ आई बात, पहले कैटायन बनाना है उसको रीअरेंज कराना है, फिर जहाँ पे रीअरेंजमेंट है वहां पे OH लग गया। बढ़िया सर, प्रैक्टिस जब होती है ना तब कुछ तब हमारी आंखें खुलती है भाई, हाँ यार ऐसे करना है, इसलिए प्रैक्टिस वाला दिन बड़ा अहम होता है। आप नोट करते जाएं है ना, प्रैक्टिस जो है वो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा अब बात कर रहे हैं हम C7 पूछ लिया, विच ऑफ द विल गिव डी एंड एल फॉर्म ऑफ SN1 रिएक्शन। देखो डी एंड एल फॉर्म, देखिए थ्योरेटिकली ऐसे हवा में होने वाला क्वेश्चन है, डी एंड एल वही दे सकता है जिसका कार्बन कायरल। अब किसका कार्बन कायरल है आप देखो यहां पर, अब आपको ये लगेगा बी इसका आंसर है, बी इज द आंसर ऑफ दिस वन, क्योंकि जब आप देखो जिस पे ब्रोमीन लगी है दैट इज कायरल कार्बन, उसके साथ सारे ग्रुप्स अलग अलग लगे। लेकिन अब सुनो भाई ए तो नहीं है क्योंकि 3 मिथाइल लगे हैं ए के सेम कार्बन पे जिसपे ब्रोमीन लगा, तो वो कायरल ही नहीं, ठीक है। अच्छा सी में क्या है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा उस पे 2 इथाइल लगे तो उसमें भी डी एंड एल बनने का सवाल नहीं है, लेकिन डी में बन सकता था, लेकिन डी हमने आंसर क्यों नहीं दिया, पता क्यों नहीं दिया, क्योंकि डी में रीअरेंजमेंट हो। देखते जाओ मैं डी का आंसर आपको बना के बता रहा हूँ कि डी में होना क्या है। आप जब यहाँ पर जल्दी से बताओ ना, देखो ये तो बन गया, यहीं पे अगर जो है न्यूक्लियोफाइल लग जाता तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन ये 2 डिग्री का टाइम है तो मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो इसलिए जब ये ऐसे बनेगा तो इट विल बिकम CH पॉजिटिव एंड CH3 ठीक है। अब इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल लग, ये सॉरी मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा यार, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गई। अब 2 मिथाइल एक कार्बन पे लग गई, तो जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये कायरल नहीं रहा, इस पे दोनों सेम रहे। क्या आप मेरा लॉजिक पकड़ पाए, क्या आप मेरा लॉजिक पकड़ पाए, मैंने कहा कि इधर तो कार्बन कायरल हो जाता अगर न्यूक्लियोफाइल यहीं पे लगता, लेकिन रीअरेंजमेंट होने के बाद कैटायन ऐसी जगह पे गया जिस कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो जब आप न्यूक्लियोफाइल आपके लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट जो कायरल नहीं रहेगा। मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूँ कि प्रोडक्ट बनेगा आपके रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये, तो अब जो है आपका CH2CH, तो कोई कायरल कार्बन नहीं रहा मॉलिक्यूल में, तो DL बनने का सवाल। समझ आ गई बात, ठीक है, नोट कर लिया करें, साथ साथ नोट कर लिया करें एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद 6, 7, 8 नंबर देखते हैं, सबसे फास्ट किसकी रिएक्टिविटी है। आपने अगेन सुनो, आपने सिर्फ ये देखना है, आपको पता है ये SN1 रिएक्शन जानी है तो ये पहला है, कैटायन को देखते जाओ, देखते जाना मेरे साथ, अच्छा सुनिए 4 है
अब इसमें क्या मसला है, आपको सबसे स्टेबल कटाएंगे, सबसे स्टेबल तो यही चौथे वाला बेंजाइलिक कार्बो कटाएंगे, यहाँ पे सी एच टू आ गया ना, तो बेंजाइलिक कार्बो कटाएंगे मोस्ट स्टेबल, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद रीजन भी इन दोनों में माइनस आई लगा है, और इसमें माइनस आई नजदीक लगा है तो माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें दूर लगा है कम लगेगा, तो इसलिए दो सही बात है, तो चार तीन दो एक विल बी योर आंसर, सो सी विल बी योर आंसर। बेटा जी समझ में आई बात, समझ में आई बात, एकदम लॉजिकल चल रही है बात, है ना, एकदम लॉजिकल चल रही है बात। मेडिकल वाले भी इस पैकेज को, नॉन मेडिकल का भी आपके पास है, तो इसलिए आप मेडिकल नॉन मेडिकल वाला निकाल के जो है देख सकते, ठीक है। अच्छा अब लास्ट रह गया 12th वाले में, बहुत बढ़िया फंडे वाला है, एक मिनट आपने देखना है इसको, H2O SC2, सबका ध्यान बोर्ड पे हो, एक बढ़िया चीज भी हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी PR कोई बात अभी देखते हैं, ये कुछ ऐसी चीज PR, सुनो अब सबसे पहले तो बेटा जी आपको एक चीज देखनी है इसमें कि कौन सी ब्रोमिन रिप्लेसेबल, आप जानते हो ये ब्रोमिन रिप्लेस नहीं हो सकती, रीजन भी ये विनाइलिक है, मतलब विनाइलिक वाली, मैंने कहा था बेंजीन के ऊपर सीधे ब्रोमीन लगा होगा वो रिप्लेसेबल नहीं, तो ये रिप्लेसेबल नहीं, जब ये नहीं है तो यहाँ पर ये रिप्लेसेबल है, यहाँ पर कटायन बनेगा, और क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो OH यहीं पर लग जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के पास जो है कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, क्या बेटा जी आपको मेरी बात समझ में आ गई, हैव यू गॉट दिस थिंग, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गई बात, मेडिकल वाले भी साथ साथ में देखते रहें, ठीक है, क्योंकि एक बात सुन लीजिए मेडिकल वालों, अगर कोई क्वेश्चन जो है जब मैं आपकी डिस्कशन पे आऊंगा, कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो मैं नॉन मेडिकल में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि नॉन मेडिकल में करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आपके पैकेज खुले रहने चाहिए, ठीक है, तो ये हो गई अपनी सेक्शन सी, ठीक है, अब आए आप सेक्शन डी, सारे लोग मेडिकल नॉन मेडिकल सभी अपने सेक्शन डी खोले, ठीक है, सेक्शन डी SN2 रिएक्शंस, डाउट पूछना स्टार्ट करो, 2, 3, 5, 13, 15 और बोले, मैं करवाना स्टार्ट कर रहा हूं, क्या बात है, जो छूट गए ये कौन ज्ञानी पुरुष है भाई, ठीक है सुन लो, D1 when concentration alkyl equivalent concentration OH reduced to half the rate of reaction increases by, क्या सीधा सीधा काइनेटिक्स है भैया, फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा केमिकल काइनेटिक्स है, करवा रहा हूं फर्स्ट वाला कि R1 is A, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन मान लो 1 है, पहले केस में हम 1 ले लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल की भी 1 ले लेते हैं, तो अब जो है R2 A और इसकी 3 टाइम्स एंड इसकी रिड्यूस टू हाफ, ये देख लो कितना आ गया, सी 1.5 टाइम्स दिस अपॉन दिस, हो गया फर्स्ट, हो गया
सेकंड, सेकंड के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? सेकंड के बारे में, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा तब आपको बात पता चलेगी एक्शन टू के मामले, क्योंकि इसका जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है ना वो है सेकंड वाला। सुनते जाइए, सेकंड वाला मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, प्लीज देखो। लेकिन सेकंड वाले को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, सब लोग मेडिकल नॉन मेडिकल वाले कंसंट्रेट कर लें। देखो होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल SN2 देखें, नॉर्मल SN2 में क्या होता है, R है, देयर इज सम लिविंग ग्रुप, सुनते जाओ, देयर इज सम लिविंग, मतलब ऐसे कार्बन है, कार्बन के साथ देयर इज सम लिविंग ग्रुप X, ठीक है, और सुनो उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से, और जो है हमने कहा कि भैया ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कैसी बनती है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कार्बन पांच बॉन्ड बना रहा है, X and it is nucleophile, सही बात है, यही बात है। और इस केस में जो है, सुनो, अगर मैं इस ऑर्बिटल को देखूं कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और जो है लीविंग ग्रुप जा रहा है, मतलब लीविंग ग्रुप अभी अपने लोन पेयर लेके नहीं गया और न्यूक्लियोफाइल ने अभी छोड़े नहीं है, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, सही बात है कि नहीं? देखो दो लोन पेयर यहाँ से, दो यहाँ से और तीन ये बॉन्ड, तो इस टाइम पे कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। सुनो, तो ऐसे में बेटा जी ध्यान देना, ऐसे में अगर इस कार्बन के साथ मैं कोई माइनस एम वाला ग्रुप लगाता हूं, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम वाला, कैसे है माइनस एम, देखो लोन पेयर का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का लोन पेयर, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, तो माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, अपनी जो अनायनिक ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबल बनाए, इज इट ओके? देखो बोर्ड पे देखो, ये जो लोन पेयर है जो कि एक्स्ट्रा है वो हमारे कार्बोनिल के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करें, इज इट ओके? तो अगर माइनस एम ग्रुप हो, ठीक है, तो वो फायदेमंद रहता है, ठीक है, माइनस एम हो या कोई डबल बॉन्ड भी हो, जैसे सी एच टू भी होता तो भी कॉन्जुगेशन होती, लोन पेयर सिंगल डबल नॉर्मल रेजोनेंस होता, इसका मतलब जो अपना कोई भी जैसे ऐसे कार्बोनिल ग्रुप है जैसे सी एच टू सी एल है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना है, फिर अलाइनिक में होना है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ जो अनायनिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें कम से कम ऐसे तो रहेगा ना, नॉर्मल डीलोकलाइजेशन तो रहेगी, यहाँ पे माइनस एम है तो यहाँ पे नॉर्मल डीलोकलाइजेशन रहेगी, देखो यहाँ पे माइनस डीलोकलाइजेशन है और अगर मैं कार्बोनिल कर देता हूँ तो ये माइनस एम ग्रुप हो गया, सही बात है? तो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे माइनस एम ग्रुप हो, वो जो है एस एन टू के रेट को बढ़ाए, इज इट ओके? इसलिए सुनते जाइए, अब आपको सेकंड का आंसर मिल गया होगा कि इसलिए सेकंड वाला सबसे ज्यादा है, आई होप अब आपको आंसर मिल रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला होगा, क्यों, फिर तो अपने को पता ही है कि हिंड्रेंस विल मैटर एस एन टू में, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, सी आंसर आ गया, तो आपने अल्फा पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो मैं लिख दूं अल्फा कार्बन पर माइनस एम एंड मल्टीपल बॉन्ड विल मेक एस एन टू वेरी फास्ट, सिंपल बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
माइनस एम ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने, माइनस एम का इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस एम का इफेक्ट जो है ज्यादा होगा, सही है बात, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखो, जब हमने प्रैक्टिस की तो हमें जो है नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। देखो इसमें इसमें बहुत कुछ है अभी जो है MGI, इस क्वेश्चन को आप जो है अभी स्टार लगाते रखते हैं, क्योंकि हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं किया एक्चुअली, ये जो MGI का चक्कर है ना वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा, एक मिनट, क्योंकि इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर जो है बी भी नहीं है, अब सी और डी है, और सी और डी जो है मेरे को यार मेरे को जो है दोनों ही लग रहे हैं, तभी जो है मैं आपको कुछ जो है हो सकता है इसमें आंसर गड़बड़ दिया हो, मुझे सी और डी दोनों लग रहा, सी और डी जो है मुझे दोनों लग रहे हैं, फिर भी मैं डिफरेंस निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, ठीक है, बट मुझे हाँ मतलब डी है, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है। अभी स्टार लगा के रख दीजिए, जिस दिन ग्रिगनार्ड रिएजेंट करेंगे उस दिन बात, जिस दिन ग्रिगनार्ड रिएजेंट करेंगे उस दिन बात करें, इज इट ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा एक बात सुन लीजिए, आज हम इतना ही करेंगे, सुन आज इतना ही करेंगे, और डाउट्स जो अगली क्लास में भी कंटिन्यूड रहेंगे, जो मेरी अगली क्लास होगी मेडिकल और नॉन मेडिकल, कौन से मैं बता दूं, एक्सरसाइज 1 और 2, जो SN1, SN2, E1, E2 तक के जो है डाउट्स। मेडिकल वालों अब बहाना नहीं चलेगा, मैंने जो है ऑनलाइन भी पैकेज डाल दिया है, मेडिकल का अलग है नॉन मेडिकल का अलग है, अपना पैकेज पहचान के जो है एक बार फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि पता क्या है मेरे करवाने का फायदा तभी अगर आप प्रैक्टिस करते, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे, ठीक है ना, कुछ लोग जो है जब 60 से 65 हो गए, रीजन भी उनको लग रहा मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मजा कब आता है, जब सिर्फ टीचर कराती, मानव जो है बायो वाली मैम की जो नानी जी है वो एक्सपायर की है, इसलिए वो कलकत्ता गई है, ठीक है ना, वो 3-4 दिन में जो है क्लास लेना स्टार्ट करती है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लेना स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ओके।